हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। Assalamualaikum and good morning everyone. Welcome to Good Morning Guys. मैं हूं आपके साथ अनम काजमी और मैं हूं सबाशी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, टिप टॉप होंगे और बढ़ती हुई सर्दी को भी भरपूर तरीके से एंजॉय करे होंगे। बिलाखिर कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है। क्वेटा में तो मौसम ठंडा था ही, लेकिन उसकी सर्द हवाएं जैसे ही कराची के अंदर एंटर हुई हैं तो कराची में कल से लेके आज भी हम देख रहे हैं कि सब सवेरे जो भी लोग उठ रहे हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना है, क्योंकि ठंड जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। आज भी टेम्परेचर काफी लो था और सुबह उठना बड़ा महाल हुआ था। एनीवे ये तो खैर मौसम की सर्दी थी और मौसम की सर्दी ने जो है लोगों का जीना भी दोपहर कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लोगों के स्वेटर्स बाहर निकल आए हैं, साथ साथ मूंगफली का इस्तेमाल और ड्राई फ्रूट्स की मांग में जो है वो साथ साथ इजाफा होता चला जा रहा है। और जो ओवरऑल अभी फोरकास्ट किया गया है कराची के वेदर के हवाले से, तो कहा जा रहा है कि ओवरऑल पूरा जो महीना है ये दिसंबर का महीना, उसमें ठंडी रहेगी, मौसम जो है काफी खुशगवार रहेगा। तो मौसम की सर्दी के साथ साथ हम कुछ सियासी गर्मी के हवाले से भी बातचीत करेंगे और सियासी गर्मी में हम देखते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो महवर बना हुआ है। बहुत सी एक्टिविटीज हो रही है इस्लामाबाद में, आज भी कुछ अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो वफाकी काबीना का अजलास वज़ीर आज़म जो है हमारे शाहिद खान अब्बासी की ज़ेर सदारत उसको तलब किया गया है। और इस अजलास में जो है वो हमने देखा कि आज 5:30 बजे के करीब कुछ अहम जो मामलात हैं उनको ज़ेर बहस लाया जाएगा। इसके अलावा IMF और पाकिस्तान के दरमियान भी आज मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा है कि IMF की टीम यहाँ पर आई है और इस तरह के मुज़ाकरात होंगे। इससे पहले हमने देखा कि दुबई में जो है ये मुज़ाकरात हुआ करते थे। उसके अलावा जनाब कुछ सियासी महाज भी गर्म है, कुछ जलसे जलूस किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी हम देख रहे हैं कि यौम तासीस के हवाले से आज परेड ग्राउंड में इस्लामाबाद में ही जो है वो जलसा करने जा रही है, जहां पर बड़ी तादाद में लोगों की जो आमद है वो मुतवक्के है और अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुतहदा जो है मुतहदा भी बड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और मुतहदा कहती है कि अब हम हैदराबाद में जलसा करेंगे। और ओवरऑल जो तमाम स्टोरीज हैं आज के दिन के हवाले से, आज की एक्टिविटीज़ के हवाले से, वो आज हम शो में शामिल करेंगे। शो में शामिल तो करेंगे, लेकिन मुझे तो आज की सबसे बड़ी खबर यही लगती है कि कराची में जो है सर्दियाँ आ तो चुकी थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा सर्दियां आ चुकी हैं। और मैं और अनम मेकअप में यही डिस्कस कर रहे थे कि आज जो है हम सियासी खबरें और सियासी इंट्रो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आज हम के हवाले से, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, कपड़ों के हवाले से और लोगों के मिजाज के हवाले से। तो जैसे मौसम बदलता है वैसे लोगों के मिजाज भी बदलते हैं और हम लोगों के भी मिजाज बदल जाते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है ही ऐसा कि हर बंदा ठिठर रहा होता है, हर बंदे को सर्दी लग रही होती है, लेकिन उसका मूड जो है वो बहुत जबरदस्त होता है। और ये प्लेजेंट मूड इसलिए होता है क्योंकि मौसम बहुत जबरदस्त जो होता है वो मौसम होता है। तो जनाब सर्दियों के हवाले से भी बात करेंगे, और क्योंकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के हवाले से हम आपको ड्राई फ्रूट के बारे में भी बताएंगे और मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं सर्दियों में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है मुख्तलिफ इवेंट्स को, उस हवाले से भी बताएंगे। लेकिन जहां तक बात की जाए सियासी मौसम की, तो वो तो मेरे ख्याल में कई महीनों से जो है उसका महाज गर्म है। एक तरफ नून लीग, दूसरी तरफ PTI, फिर पीपल्स पार्टी, और अब ताहिरुल कादरी जो है वो भी मैदान में आ गए हैं। और आज जो सबसे अहम डिवेलपमेंट होने वाली है वो है मॉडल टाउन के हवाले से, क्योंकि बाकर नशवी की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से जो है वो आज तय किया जाएगा कि उसका फैसला क्या होना है, क्या उसको पब्लिक किया जाएगा, क्या उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। और साथ साथ कल जेम्स मैटिस की मुलाकात भी हुई, आर्मी चीफ ने दोबारा से डूमोर का मुतालबा कर दिया। MQM के मामलात की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो फारूक सत्तार की जो वालदा हैं उन्होंने बिल्कुल कह दिया है कि जी कामरान टिसौरी कहीं नहीं जा रहे हैं, जबकि कामरान टिसौरी कहते हैं कि उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया है कि MQM अगर तब्दील हुई तो वो MQM का पार्ट नहीं होंगे। तो जनाब सियासी सूरत हाल तो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म है, लेकिन मौसम बहुत ठंडा है। साथ साथ हमारे पास है यहाँ पर चाय के कप्स और है गुड मॉर्निंग आज, तो क्यों ना हम बढ़ जाए टॉप स्टोरीज की जाने। नून लीग का बागी फिर हो गया राजी, जावेद हाशमी तमाम खिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर नवाज शरीफ के गले लग गए। सियासत की नाव को मिलकर पार लगाने का आदा क्या जावेद हाशमी, मुश्किलात में फंसे नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। पा
हाथ से जमीन पर, दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म कर दी। वक्त आ गया है कि अफगान से जमीन के भारतीय इस्तेमाल पर हमारे तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। आर्मी चीफ का अमरीका से डूमोर का मुतालबा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों से आगाह है। मिसबत और मुसलसल ताल्लुकात के लिए मुश्तरका राह तलाश करनी है। अमरीकी वजीर दिफा की वजीर आजम और दीगर हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगु। की सरजमीन सिंध, यहाँ का हर एक नजारा लगे प्यारा। पाकिस्तान के जनूब में वाकिया इस सूबे का हर शहर अपनी मिसाल आप है। तारीखी मुकामात के शौकीन सियाहों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं, दिल ने मेरे आज क्या है। और कपूर खानदान के चश्मोचराग पृथ्वीराज चौहान के बेटे और राज कपूर के भाई बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार शशि कपूर की आखिरी रसूमात आज अदा की जाएंगी। आन जहानी अदाकार ने अपने फन का वो जौहर दिखाया जिससे वो रहती दुनिया तक अमर रहेंगे। बिल्कुल जनाब, शशि कपूर एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। जनाब शशि कपूर की बात करें हम तो उनकी कितनी बेपनाह फिल्म्स हैं जिसके हम भी बड़े शौकीन हैं। और उनका एक डायलॉग सब में, मेरा ख्याल है आपने भी लाजमी वो डायलॉग सुना होगा कि मेरे पास माँ है। ये डायलॉग कितना उनका मशहूर हुआ था जब अमिताभ के साथ वो मूवी में आए थे, और वही डायलॉग जो है वो कल पूरा दिन लोग सुन रहे थे और याद कर रहे थे। एनीवे आगे बढ़ते हैं और अखबारों का रुख करते हैं और देखते हैं कि आज के अखबार क्या कह रहे हैं। चले जनाब, जंग आज मेरे पास है और जंग में आज क्या क्या मेन लीड है। तो बात हो रही थी शशि कपूर के हवाले से और अमिताभ बच्चन के हवाले से। तो देखें यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो पब्लिश हुई हुई है, लंदन के मेयर सादे खान का बॉलीवुड अदाकार अमिताभ बच्चन के साथ एक अंदाज। मतलब अमिताभ बच्चन जो है वो लंदन के मेयर हैं सादे खान, और इनका ताल्लुक जो है वो पंजाब के ही गांव से है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ये सर्विंग कर रहे हैं इंग्लैंड में, और इसीलिए इनको मेयर बनाया गया सादे खान को। उनकी पिक्चर जो है वो अमिताभ बच्चन के साथ है जो जंग ने पब्लिश की है। मेन लीड की तरफ आते हैं। मेन लीड जो है वो है कि पाकिस्तान कोशिशें दुगना करे एज़ यूजल अमेरिका। और हमारा जवाब था आर्मी चीफ की जानब से कि जी अब डू मोर का मुतालबा हमारा आपसे है, क्योंकि हमने जितना आपको बताना था हम बता चुके, हमने जितना समझाना था हम आपको समझा चुके, बायलैटरलिज्म के ऊपर जितनी बात करनी थी हम कर चुके, जितने हमारे सिफारती तौर पर ताल्लुकात थे वो हम इस्तेमाल कर चुके, हम हर तरीके से आपको शवाहिद दे चुके कि पाक फौज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ है, और अब तक भी हमारे जवान इसी दहशतगर्दी की लपेट में आकर शहीद भी हो रहे हैं। तो अब वक्त आपके ऊपर है कि अमेरिका ये सोचे कि पाकिस्तान को किस तरह से टैकल करना है, ये तीनों ममालिक के साथ में किस तरीके से ताल्लुकात बनाने हैं, अफगानिस्तान का मामला हो या पाकिस्तान का मामला हो या फिर काबुल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। अम जब ही मुतवक्के है जब पाकिस्तान के साथ आप अपने ताल्लुकात हमवार करेंगे। तो लेट्स सी अब जेम्स मैटिस की ये मुलाकातें जो हुई हैं उसके बाद क्या सम्राट निकलते हैं, उसके क्या नतज आते हैं। तो इस खबर को जंग ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। बिल्कुल जनाब, सेम यही खबर यहाँ पर मैंशन है जिसमें कहा गया है कि कोशिशें डबल की जाए जबकि हिस्से से भी ज़्यादा कर चुके, ये कहना है पाकिस्तान का। और बहुत वाजे कर दिया है महफूज पनागाहों के हवाले से, सेम वही बातें जेम्स मैटिस ने कही हैं कि जी अफगानिस्तान में जो भी हमले होते उसकी महफूज पनागाहें पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने भी इस बात देखा कि अपने तहफ्फुज़ात का बड़ा खुल के इजहार किया, और उसने कहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा है और अफगानिस्तान के अंदर जो असर रसूख भारत का है, और जिस तरह से पाकिस्तान को उस सब में मुतासर होता है पाकिस्तान, तो उसके ऊपर भी जरा नज़रसानी करें। जिसमें हमने देखा कि एक थोड़ी सी जो पॉजिटिव वाइब्स आई हैं हमें जेम्स मैटिस की तरफ से, तो उन्होंने ये बात वाजे की है कि हम जरूर आपके तहफ्फुज़ात जो है उनको भी दूर करने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ा अच्छा इकदाम है। यही सेम खबर जो है वो यहाँ पर मेन लगाएगी। इसके अलावा अगर कल की समाज के हवाले से बात करें जो कि
आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब कल अदालत में पेश हुए थे, इंतजाब अदालत में, और उन्होंने रेफरेंस यकजा करने की जो इस्तदा की थी उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद हसन हुसैन को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया। और नवाज शरीफ जो है वो बड़े गुस्से में हमें दिखाई दिए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो तल्ख उनका लहजा जो है वो हमें कल सुनने में मिला। और उनका ही कहना था के इमरान केस में भी जो है वो हो सकता है कि मुझे ना अहल करार दे दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब कल हमने देखा बड़े गुस्से में भी थे और आज जो है वो लंदन रवाना भी हो चुके हैं। अब एक हफ्ते के लिए जो है वो तकरीबन लंदन में ही होंगे और वहाँ पर अपनी बेगम की तीमारदारी भी करेंगे, अपने बच्चों से मुलाकात भी करेंगे और उसके बाद एक हफ्ते के बाद वापस आएंगे और फिर जो भी पेशी होंगी उनमें जो है वो हम उनकी पार्टिसिपेशन एक बार फिर से देखेंगे। तो ये जो सेम खबरें हैं वो यहाँ पर लगाई गई। इसके अलावा जनाब अगर आज कुछ इंटरेस्टिंग खबर हमके साथ मज़ीद शेयर करें तो वो हमने देखा कि नवाज शरीफ जो हैं वो एक बार फिर से हाशमी साहब से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अब कहा जा रहा है कि जावेद हाशमी जो हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर वापस आ जाएंगे, इस टीम के अंदर दोबारा शामिल हो जाएंगे। चलें जी, लेट्स सी। बिल्कुल उसी वाले से जो है साद रफीक ने भी यही कहा है कि जब वो पीटीआई में गए थे तब भी मेरे उनसे रवाबित थे, तब भी रबता था। और बड़ी अजीब सी बात है कि खुर्शी शाह साहब ने यह बयान दिया है कि जब जावेद हाशमी गए थे नून लीग को छोड़कर तो उन्होंने उनको मना भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी का कोई एक ऐसा रुकन था जिसकी वजह से जावेद हाशमी नून लीग छोड़कर गए थे और अब वही रुकन साइड पर लगा हुआ है। तो जैसी हमारी बात होगी खुर्शी शाह साहब से तो जरूर उनका ये मौकफ जानेंगे कि आखिर वो कौन सा शख्स था जिसकी वजह से जावेद हाशमी को नून लीग छोड़ना पड़ी और फिर उसके बाद अब वो वापस आए हैं। अब बाकायदा तौर पर शमूलियत तो उन्होंने इख्तियार नहीं की है नून लीग में, लेकिन डेफिनेटली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के उस इजलास में वो मौजूद थे और यही कहा जा रहा है उनके हवाले से कि उनकी अहमियत जो है, उनके मशवरे जो है वो लिए जाएंगे और नून लीग की आगे की जद्दोजहद में उनके तमाम किया जाएगा। जहां पर हम देख रहे हैं कि प्लस प्लस की सियासत कर रही है नून लीग, जारहाना सियासत कर रही है, मुजाहमत की सियासत कर रही है, वहीं पीटीआई ये कहते भी नहीं थक रही है कि नून लीग जो है वो माइनस की तरफ जा रही है, नून लीग जो है वो खत्म होने जा रही है। लेट्स सी कि नून लीग का अगला स्टांस क्या होगा। लेकिन बहरहाल अब जो कुछ भी जिस तरफ भी सूरत हाल जा रही है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है और तमाम जमातों का जो फोकस है वो भी वही है। और इसमें जो अगर जंग की बात करें तो इसमें आज एक खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो आज 5 रोज़ा दौरे पर लंदन रवाना हो रहे हैं, जबकि आज भी उनकी जमात और देखना यह है कि आज क्या होता है उनकी पेशी पे, क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रेफरेंसेस यकजा करने के हवाले से जितनी भी समाअत थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। तो अब ख्वाजा हारिस के पास क्या होगा, क्या रेफरेंसेस को अलग अलग करके दोबारा से हियरिंग का सिलसिला शुरू होगा और आज के बाद फिर ये समाअत जो है वो कब ट्रांसफर होती है, कौन से दिन इसको मुलतवी किया जाता है, मौखर किया जाता है, तो ये भी आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा भी जनाब कल हमने देखा कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें भी बहुत अहम फैसले किए गए और आवामी राबता मुहिम को तेज करने के हवाले से कोशिश करने का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ हमने देखा कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें उनसे राबते बढ़ाने के लिए भी ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी को। तो ओवरऑल नून लीग ने जो है वो कल की राबता जो उनकी इजलास हुआ है उसके अंदर बहुत से अहम फैसले किए अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी पार्टी पॉलिसी जो है वो काफ़ी हद तक वाजे करने की कोशिश की है कि अब इंतखाबात से पहले अपनी तैयारियाँ मुकम्मल करनी है, राबते तेज़ करने हैं, आवाम के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक देनी है और फिर से वही जलसे जलूस जैसे कि आज ऑलरेडी इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का भी जलसा है, उसके साथ साथ कुछ अहम मीटिंग्स और मुज़ाकरात भी आज के दिन लाइन अप है। इसी हवाले से तफसीलात जानने थे हमारे नुमाइंदे यासिन नज़र से। जी अपडेट कीजिएगा, दारुल हुकूमत में आज हमारे बहुत सी एक्टिविटीज होने जा रही हैं। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उस हवाले से समाज शुरू है। जो मरियम नवाज़ और जो नवाज शरीफ हैं वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, लेकिन कैप्टन सफदर जो हैं आज अदालत में पेश हुए हैं। दूसरी तरफ जो रिकॉर्ड है वो सारा पेश कर दिया गया है, बैंक अकाउंट की तफसीलात पेश की गई हैं। मजमूई तौर पे 60 मिलियन रुपीज़ के करीब जो चेक ट्रांजैक्शन है या चेक के जरिए जो नवाज शरीफ के अकाउंट से मरियम नवाज़ को जो रकम दी गई है उस हवाले से आज तफसीलात जो हैं वो पेश की गई हैं। इस तरह आपको ये भी बताएं आज कैप्टन सफदर जो हैं वो फ्रंट पे मौजूद हैं, जिसके कुर्सी पे या जिस जगह पे अदालत के अंदर मरियम नवाज़ बैठती थी आज कैप्टन सफदर उस रो में मौजूद हैं, पहले ये तीसरी लाइन में मौजूद होते थे। इस तरह जो उनके परवेज मलिक जो वकील हैं उनकी तरफ से आप हाजिरी से मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ तो जा चुके हैं, डेफिनेटली वो 5 रोज़ा दौरे पर लंदन गए हैं, कैप्टन सफदर रिटायर्ड वहाँ पर मौजूद हैं, ये बताइए और कौन कौन से नून लीगी वज़रा वहाँ पर मौजूद हैं, ख्वाजा हारिस वहाँ पर हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ख्वाजा हारिस यहाँ मौजूद हैं, लेकिन लीगी रहनुमा जो नवाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज के साथ जो आते थे या जो लीगी रहनुमा जो आते थे आज हमें उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का भी आज सियासी मैदान सजने जा रहा है और उस हवाले से भी
बड़ी सियासी एक्टिविटी इस्लामाबाद में है और बड़ा जलसा जो है परेड ग्राउंड में 2 बजे के बाद मुनक्कद होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यासिर ये बताइएगा कि आप इस वक्त नैब कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देख रहे हैं और क्या लगता है कि समाज जो है वो कितनी देर तक रैपअप कर दी जाएगी? जी बिल्कुल, आज जो इस्तगासा के गवाह हैं उनकी तरफ से बयान जो है वो कलम बंद करवाया जा रहा है, बैंक की तफसीलात जो हैं वो पेश की गई हैं, इसलिए जो बयानात हैं वो कलम बंद किए जा रहे हैं, चेक की ट्रांजैक्शन और जो तफसीलात हैं वो दी गई हैं कि कितने पैसे मरियम नवाज को किस वक्त दिए गए, किस साल में दिए गए, वो 3 मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं वो पेश की गई हैं। इस तरह जो अब जो हैं गवाह जो हैं वो पेश हो रहे हैं और उनकी तरफ से गवाह पेश हो रहे हैं, इस्तगासा के बयानात भी कलम बंद हो रहे हैं और समाअत भी उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी जाएगी क्योंकि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो मुल्क में मौजूद नहीं है। कैप्टन सफदर रिटायर्ड वहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज फ्रंट सीट संभाले हुए हैं, तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अब हम जा रहे हैं लाहौर। बिल्कुल, और लाहौर के मौसम के हवाले से सबसे पहले बात करना चाहूंगी। हुमा भट्ट हमारे इस लाइन पर मौजूद हैं। हुमा, यहाँ पर तो ठंड होना शुरू हो गई है, लाहौर के हवाले से बताएं, वो कड़कती हुई ठंड शुरू हो गई दिसंबर की शुरू होने के साथ ही? बिल्कुल, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि भाई मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, सो ये तो इस वक्त दिसंबर की बहुत ज्यादा ठिठरती सर्दी जो है वो मैं फील कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पर मेरे सामने बिल्कुल सूरज है और सूरज की तपिश फील होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मुझे बिल्कुल ठंडी ठंडी सी सूरज की जो रोशनी फील हो रही है और उसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ी भी हूँ और थोड़ा सा काम भी रही हूँ। मौसम सर्द है, बहुत अच्छा है, मज़े का है उन लोगों के लिए जिनकी इन दिनों में शादियाँ हैं, स्पेशली वो इन दिनों को बहुत ही अच्छी तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे और उनकी इंजॉयमेंट को देख कर हम लोग भी ये फील करते हैं कि यकीनन ये दिन जो है वो बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं। और अगर मैं इवेंट्स का जिक्र करूं तो इवेंट्स में आज सबसे पहले तो जैसे कि जिक्र किया जा रहा था अभी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का, तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये एक उन्हें कहना ही चाहिए कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके एक इस्तस्ना की जो उनकी दरख्वास्त थी वो कबूल हुई, मंजूर हुई और अब वो जा रहे हैं जी लंदन जा रहे हैं, बरास्ता दोहा वो लंदन पहुँचेंगे। तो आज वो यहाँ से रवाना हो चुके हुए हैं अपनी साहबजादी के साथ, उनके साथ साथ नवासी भी उनके साथ ही हैं, तो आज वो रवाना हो रहे हैं और उसके बाद एक अहम इवेंट है जो कि सानिहा मॉडल टाउन से रिलेटेड है। सानिहा मॉडल टाउन से रिलेटेड आज जो एक समात होने जा रही है और समात में आज ये फैसला किया जाएगा कि जो रिपोर्ट है वो आया पेश की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो उसके हवाले से आज फैसला किया जाएगा, तो उसके ये आज होगी इम्पोर्टेंट समात है। उमा भट्ट, आप ठंड बहुत है, अपना ख्याल रखिए और बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। आज इंतहा इम्पोर्टेंट जो है समात होने जा रही है मजफी के हवाले से। कल हमने देखा कि तहरुल कादरी बात कर रहे थे कि जिसने भी साने मॉडल टाउन के वक्त मॉरली भी और बिल्कुल वहाँ पर उनके साथ में स्टैंड किया तो वो बिल्कुल उसकी कदर करते हैं और वो कहते हैं कि जी आए और इत्तेहाद बनाए, तो इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग आज, गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज, और अब कुछ बात करेंगे जनाब अखबारों में इदारियों के हवाले से, कौन कौन से मौजूद जेरे बहस है, कॉलम्स में क्या कुछ लिखा है, सफर बात करने के लिए काफी दिनों बाद हमारे साथ आज नफीस साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नफीस साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, उम्मीद करते हैं ठंड इंजॉय कर रहे होंगे कराची की आप। जी हाँ, कोयटा की सर्दी जो है वो कराची पहुँचना शुरू हो गई है और अब सुबह उठते हुए जो है वो दिल भाई सर्दी तो थी, लेकिन मैं और अनम आज यही डिस्कस कर रहे थे कि आज इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी कि हम लोग दोनों मेकअप रूम में बैठे थे और हमारा बिल्कुल रेडी होने को दिल नहीं कर रहा था, हम लोग बस ये तो स्वेटर पहन के जो है ना शॉल पहन के ऐसे ठिटर के साइड पे बैठी हुई थी, तो अब जो है ना वो मुझे लगता है ठंड बढ़ गई और साथ साथ हवा भी जो है वो तेज बढ़ेगी और मजीद इसमें इजाफे का इम्कान है, तो आप मजीद लिहाफ वगैरह और भी बस फिर ठीक है। कल से गुड मॉर्निंग आज में ना हम लोग ये किया करेंगे की जैकेट वगैरह सब चीजें पहन के बैठा करेंगे ताकि लोगों को भी फील हो कि जी यहाँ भी ठंड होती है। एडिटोरियल अमरीकी तवक्कुआत और पाकिस्तान, हमने देखा कि जेम्स मैटिस आए और उन्होंने फिर एक बड़ा डूमोर का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी पाकिस्तान ने हालांकि एक बहुत मुस्बत बाकायदा जो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है अपनी काबिशें दहशतगर्दी के खिलाफ जो है जो कर रहा है उसको दुगनी करे, यानी कि अमेरिका का अभी भी वही मौकफ है, वो इस बात पर राजी ही नहीं है, मानने पर है ही नहीं, कायल ही नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ज़रब अज़ हमने किया, हमने रदुल फसाद के नाम से ऑपरेशन शुरू किए हैं अपने, और आर्मी चीफ ने भी उन पर यह वाज़ेह कर दिया कि हमारे पास हमने दहशत गर्दों का खात्मा कर दिया है, पाकिस्तान ने अपने हिस्से से ज़्यादा काम किया है अब, और लेकिन इसमें यह पहलू सामने आया कि इस बार पाकिस्तान ने अमरीका से कई मुतालबात किए,
अमेरिका ने हमेशा डूमोर किया, अब हमने अमेरिका से डूमोर कहना शुरू कर दिया। और जब हमने कहा तो जेम्स मैटिस साहब का ये बयान था कि मुतालबा छोड़े मिलकर काम करते हैं। सबसे बड़ा हमारा मुतालबा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारत के तसल्लुत में है और भारत वहाँ जो पनाहगाहें जो भी पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं, जो हमने हालिया देखा अभी जितने भी तालीम दर्जगाहें देख लें आप या वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टरेट पे आप हमला देख लें, उसके ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। तो आर्मी चीफ ने ये वाजे किया कि चाहे तालीमी इदारे हों या कोई भी हमले हों, जो भी हम इसके जो ताने बाने मिल रहे हैं वो अफगानिस्तान में उन पनाहगाहों में मिल रहे हैं जहाँ दहशतगर्द जहाँ मौजूद हैं। तो जी हाँ, आप हमसे हक्कानी नेटवर्क के हवाले से कार्रवाई करते हैं, हमने तो खत्म कर दिया दहशतगर्दों को। और अब और एक अहम बात ये कि आप ठीक क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से, उन्होंने ये जेम्स मैटिस ने कहा कि नहीं, जब अफगानिस्तान में हम बात करते हैं वो जब कहते हैं अफगानिस्तान में हमले हो रहे हैं वो पाकिस्तान से हो रहे हैं, तो आर्मी चीफ का ये कहना था कि आप ये कहते हैं हमारे पास जो 2.7 मिलियन अफगानी पनाह गुजीन मौजूद हैं उसमें से 1.5 रजिस्टर्ड हैं, और जब भी इस तरह की काविशें होती हैं इसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि कहीं उनमें से ही कोई अनासर तो नहीं है जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो आप इनको वापस ले लें। उसके बाद हमें इल्जाम दीजिएगा फिर कोई दरअंदाजी होती है, हमने तो फैंसी तक कर दिए सरहद पर। तो अगर हम हमारी कोई इखलास में कमी है तो यहाँ से जाहिर होता है कि हमने तो पर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, कल हम हसन अस्करी साहब से भी बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि अमेरिका हमेशा वो चीज करता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में होती है। आपको लगता है कि इस वक्त अमेरिका का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें पाकिस्तान से मुफाहमत एक बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है? बिल्कुल, ये बात हम 100% सही है। जो 3 माह पहले देख रहे थे हम डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पे पाकिस्तान, हाँ, ने शुरू में उन्होंने ये कहा था, उन्होंने मालूम है, हाँ, कि पाकिस्तान से की जो तावुन है वो नागुजीर है अमरीका की अपने तहफ़ के लिए। इस खत्ते में अगर अमरीका ने रहना है, अपने कदम जमाने हैं, पाकिस्तान के तावुन के बगैर नहीं चल सकता। और यही वजह है कि वो उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि जो जेम्स मैटिस ने बड़ी ये बात की, एक तो उन्होंने ये बात की एश्योरेंस दिलाई कि हम ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने देंगे। इसका हमारे वजीर आजम ने भी बड़ा खैर मकदम किया स्टेटमेंट का। अब वो उन्होंने ये कहते हैं कि साथ लेके चलेंगे और हम अभी, लेकिन हमें इतना ये नहीं भूलना चाहिए कि जेम्स मैटिस ने बयान दिया था कि हम चेक करेंगे पाकिस्तान को, हम जाके पहले अपने मौके पाकिस्तान के सामने रखेंगे, पाकिस्तान अगर हमारी बात नहीं मानता फिर हम अपने लाए अमल पर अमल करेंगे। तो अभी ये जो तूफान है ये बैठा नहीं है, हम ये नहीं समझ कह सकते, हाँ, कि जेम्स मैटिस आ गए, हमने उन्हें सुना दी, वो चले गए, चुपचाप मामला हल हो गया। अभी तो पेंटागन डिसाइड करेगा कि आपके साथ अब क्या करना है, क्या आप इसी तरीके से लेके चलेंगे या कोई उनकी भाई वो जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी होती है उसको मजीद वो सख्त करेंगे अपनी। बिल्कुल, नफीस साहब कल ये बड़ी अहम मुलाकात को तस्वीर किया जाता है, लेकिन हमने देखा कि हमारी जो सियासी और अस्करी क्यादत है उनकी मुलाकातें बड़ी अलग अलग हुई हैं, लेकिन दोनों का मौकफ जो है वो बहुत वाज़े था और अपने मौकफ को उन्होंने बहुत ही प्रॉपर मैनर में जो है वो कन्वे करने की भी कोशिश की। अब आपको क्या लगता है कि ये मुलाकात तो हो गई है और ये सिलसिला भी चल चुका है, इससे पहले रेक्स टिलरसन भी आए थे और अब हमने देखा जेम्स मैटिस भी आए हैं, अब कोई हालात में मजीद बेहतरी होने का इम्कान इससे पैदा हो सकता है या अभी भी सेम मुतालबात सेम बातें और वही? देखिए अनम, एक मुझे इस वक्त एंड्रेस बुसारब की वो याद आ रहा है, जो उन्होंने अपने एक डिफेंस एंड डिटरेंस में एक आर्टिकल लिखा था 1986 में, ये एक स्कॉलर हैं डेनिश स्कॉलर, इन्होंने कहा था कि ब्रिंकमैनशिप इज टू टिमिड, देर इज नो क्रेडिबिलिटी एंड हेंस डिटरेंस, नो डिटरेंस, इफ इट इज टू विगरस देर इज वॉर। तो हमें भी वही स्ट्रेटजी अपनानी है कि अगर हमारी ब्रिंकमैनशिप, हमारी पॉलिसी, खारजा पॉलिसी ज़्यादा इतनी सख्त भी ना हो कि हम टूटने की तरफ चले जाएं और इतनी ज़रा टिमिड भी ना हो कि हम किसी के सामने लेट जाएं। खारजा पॉलिसी पे तो बड़ा काम कर दिया है, तो हमें बहुत ज़रूरत है। अमरीका भी अपनी पॉलिसी चेंज कर रहा है, देखें हमारा एक स्टैंड था, हमारा एक उसके सामने जब हम खड़े हुए हमने बात की, अपना मौकफ एक मजबूती के साथ पेश किया, तो अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। पहले की पॉलिसी ये नहीं थी कि अमेरिका हमें, जिस तरह जेम्स मैटिस की बातें थी, बहरहाल उन्होंने डूमोर का मुतालबा किया लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के मौकफ को सुना। फीस भाई कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि इस दफा ऐसा लगता है कि भारत अंडर प्रेशर ले भी नहीं पा रहा है अमेरिका को कि आप पाकिस्तान के सामने ये मुतालबात रखें और पाकिस्तान को ये कहें। मुझे लगता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव तब्दीली हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी सुन रहे हैं और अपनी कर रहे हैं, बाकी ममालिक का प्रेशर या दीगर चीजों का प्रेशर वो मद्देनजर नहीं रख रहे हैं, इसी वजह से कुछ ताल्लुकात नजर आ रहे हैं और इसी वजह से शायद पाकिस्तान की जानिब से भी सिफारतकारी में बड़ी बेहतरी आई है क्योंकि वो लोग भी बात करने के लिए एटलीस्ट तैयार हैं। अगला एडिटोरियल जी, हमें बहुत खुशखबरी सुनाई गई कि बिजली की जो है लोड शेडिंग जो है का खात्मा हो गया है, 5,000 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वहाँ ज़ीरो लोड शेडिंग है
और बहुत बड़ी बड़ी बातें की अवैध लगारी साहब ने। इस हवाले से एडिटोरियल आए हैं। जी हाँ, पंखा जल रही है सभा इसलिए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी शिकायतें अभी स्टूडियो में भी बैठे थे तो हमारे कुलीग्स ने भी शिकायतें की कि देखें बिजली की, हमने तो बड़े खुश थे कि अब हम सुकून से सोएंगे और लोड शेडिंग का खात्मा हो गया, लेकिन तो कुछ भी नहीं बदला। तो इसकी वजह यही इदारे भी लिख रहे हैं कि सर्दियों में तो वैसे भी लोड शेडिंग का खात्मा हो ही जाता है कुदरती तौर पर, तो आपने जो ये दावा किया है ये तो एक लॉलीपॉप के मुतरादिफ है, क्योंकि असल कहानी है कि उन्होंने ये कहा कि जहाँ लाइन लॉसेस हैं और वहाँ पर 20% इलाकों में जो है वो 4 घंटे की होगी, 10% इस तरह की उन्होंने दी कि, लेकिन लोड शेडिंग बहरहाल होगी। तो इदारे यही कहते हैं आप असल चीज़ पर काम करें, जो सारे जायद बिल्स आते हैं, लोग परेशान हैं जो बिल पे करते हैं। देखिए मैं भी अगर बिल पे करता हूँ, टाइमली बिल पे करता हूँ, और मेरे इलाके में लोड शेडिंग इस बात पे होती है कि यहाँ लाइन लॉसेज ज़्यादा हैं, मेरा इसमें क्या कसूर है? तो इसी हवाले से गवर्नमेंट को जो काम करने की चीज़ें हैं, एक तो कीमत बहुत ज़्यादा, नर्ख बहुत ज़्यादा है, इस पर कंट्रोल करें। वहाँ जो बिजली चोरी हो रही है वहाँ, क्योंकि जिस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अंदर भी कुछ ऐसा नासिर होते हैं जो इस चोरी में मुलव्वस होते हैं, उनका खात्मा किया जाए। अच्छा, यही बात मैंने कल भी मैंशन की थी कि आपने एक तो लोड शेडिंग का लॉलीपॉप दे दिया कि जी 18 में अब लोड शेडिंग नहीं होगी, बल्कि कल रात से ही बंद कर दिया आपने, और दूसरा बस वहीं लोड शेडिंग होगी 4 घंटे 2 घंटे जहाँ पर बिजली चोरी की जाती है। तो अगर मेरे पड़ोस में या मेरे महल्ले में 2 लोग बिजली चोरी कर रहे हैं तो उसकी सजा वो तमाम लोग क्यों भुगतेंगे जो बिल पे कर रहे हैं या जो प्रॉपर आपको फॉलो कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रहे हैं, तो उनके लिए क्रैकडाउन होना चाहिए अलग से। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल यही इदारे नोट कहते हैं, इदारे कहते हैं कि आप एक तो मीटर्स जहां ऐसे इलाके हैं, पूरे पूरे इलाके हैं जो कुंडों पे चल रहे हैं, कुंडों पे चल रहे हैं, कहीं जगह है कि जो ये खुद हिम्मत नहीं करते हैं वहां से कुंडे हटाने की। मेरी बात भी हुई उनसे, लेकिन वो ये एक अलग मसला है, इस पे सबको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके बगैर नवाज शरीफ साहब भी इस बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से दी, और दूसरी इन्होंने जो लॉलीपॉप दी हुई है पंजाब वालों को कि जिस बार गैस की भी लोड शेडिंग नहीं होगी, तो वो भी आप देखें सारा कुछ सामने नजर आ रहा है कि शदीद सर्दियां जैसे ही आई है तो वहाँ पंजाब के बहुत से इलाके ऐसे ना, आप बिजली थोड़ी या कम तो क्या बिल्कुल आ ही नहीं रही है। और नवाज शरीफ साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि देखिए 2018 में वादा किया था लोड शेडिंग, 2017 में कर दिया है, उसमें सादिक और अमीन नहीं रहा, यानी कि इसमें भी वो जो है वो तंस कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अगर हुकूमत ने लोड शेडिंग खत्म कर दी है तो ये बड़ी खुशखबरी है कौम के लिए, लेकिन उसको जिस तरह कहते हैं इंसाफ होता नजर आए तो लोड शेडिंग का खात्मा भी होता नजर आए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो फिर अगर आपको लोगों को लगता है कि आपके इलाके में बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आप गुड मॉर्निंग आज के पेज के ऊपर हमें बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ लोड शेडिंग हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही है। हम आपका ये मौकफ जो है गुड मॉर्निंग आज में जरूर रखेंगे। चलिए जी, नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारी बातें जो है वो रह जाती है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है उन्होंने आज एडिटोरियल डिस्कस किया। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का कहीं जाएगा, but don't go anywhere, stay with us, keep watching. Good morning guys. Good morning guys. Welcome back to Good Morning guys. तो जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं प्राउड पाकिस्तानीज की। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो भरा पड़ा है टैलेंट से, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं, पूरी दुनिया में जहां पे भी जाते हैं तो नाम रोशन कर ही आते हैं। चाहे हम क्रिकेट ले लें, फुटबॉल ले लें या फिर दूसरी चीज़ें ले लें, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ऐसे ही 2 टैलेंटेड लोगों से हम आपको मिलवा रहे हैं जो कि कैडेट्स हैं और जिन्होंने शार्प शूटिंग के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हमारी टीम ने इनसे मुलाकात की है और इनसे पूछा है कि किस तरीके से ये यहाँ तक पहुँचे, कैसे स्ट्रगल की। तो आपको बताएं कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस के इन 2 कैडेट्स ने शार्प शूटिंग में 2nd और 3rd पोजीशन हासिल की है। बिल्कुल जनाब, सबको हैरान कर दिया है और हमारी टीम ने इनसे जब मुलाकात की, उनका क्या कहना था पहले आपको सुना दें। मेरा नाम अरसलान, बेसिकली फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। बचपन में फैमिली माइग्रेट कर गई कराची, वालिद का बिजनेस था यहाँ, डोमिसाइल यहाँ का था, तालीम यहाँ की थी, तो मुझे एज अ सिंध पुलिस में कांस्टेबल की जॉब हासिल हुई। सिंध पुलिस में मेरा 4 साल हो चुके हैं। बचपन से शौक़ तो बस ज़्यादा फोर्सेस वगैरह का देख के, थोड़ा पाक आर्मी की तरफ और थोड़ा फोर्सेस की तरफ काफ़ी रुझान था। घर में भी अगर वालिद का लाइसेंस वेपन था, वालिद साहब बहुत छुपा के रखते थे, लेकिन मेरी एक होता था थोड़ा बहुत के वेपन देखूँ, करना कुछ नहीं है लेकिन वेपन देखूँ, तो थोड़ा वेपन्स की तरफ रुझान था बचपन से। और इस रुझान को सिंध पुलिस ने, SSU ने उबारा और अल्हम्दुलिल्लाह शूटिंग टीम में मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की और उस बयाब पे मुझे एशिया कप के लिए सिलेक्ट किया गया। अब्दुल शकूर नाम है मेरा, बेसिकली ताल्लुक मेरा मानसेरा से, कागान से। उसका रुझान कुछ, मुझे शुरू से तो कोई शौक नहीं था वेपन का, मेरा फोर्सेस का शौक तो था लेकिन वेपन का कोई, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कभी कोई वेपन नहीं देखा था।
कुछ दोस्तों ने बताया कि एसएससी में जॉब्स आई हैं तो वहाँ से अप्लाई कर लिया। जिन्होंने बताया था वो रह गए, मैं हो गया। वो प्रैक्टिकल शूटिंग की तरफ आए, तो प्रैक्टिकल शूटिंग की तरफ आने की वजह ये थी मेन सेल्फ डिफेंस, कि सेल्फ डिफेंस करना है, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिकल शूटिंग जो हम खेल कर आए हैं तो ये सेल्फ डिफेंस के गिर्द घूमती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंध पुलिस में एसएसयू के जरिए शूटिंग रेंज शूटिंग टीम में जो इतना अरसा मैचेस खेले तो उधर से एक्सपीरियंस था काफ़ी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की वजह से, उस बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से और सबके साथ की वजह से हमारे कमांडेंट साहब ने खुसूसी हमें रायत दी, खुसूसी साथ दिया हमारा, खुसूसी मोटिवेशन दी, उसकी वजह से सब पॉसिबल हुआ। हम गए मैच में और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पोजीशन एज अ एशियन नंबर थर्ड इस जगह बैठे हैं। मेरी पोजीशन क्लियर थी, इसकी पोजीशन क्लियर नहीं थी, भाई साहब प्रॉन्स खा चुके थे, एलर्जी इनको स्टार्ट हो रही थी लेकिन अभी तक वाजे नहीं हुई थी, इनकी आंखें में देखा लाल हैं और कुछ पानी पानी भी हो रहा है। तो मैं इसके पास गया, मैंने कहा अखलान तू रो रहा है? मुझे ऐसा लगा कि इसकी शायद पोजीशन यही तो मेरी क्लियर हो चुकी है तो उस वजह से रो रहा है। बोला नहीं मैं नहीं रो रहा यार, क्या हो गया? मैंने नहीं तू रो रहा है। बोला नहीं। खैर इसने मुझे साइड बैड पर किया, बोला मैं आता हूँ। ये किस्सा बताने का मकसद ये है कि एक हमारे अंदर एक वो इतना हद तक था कि हम इतनी दूर आए विदाउट पोजीशन जाना, तो कश्तियाँ चला के गए थे हम। उसने मुझे बाद में कहा कि शकूर साहब अगर मेरी पोजीशन नहीं आती तो तुम तो ये समझते रहते मैं रो रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल मैं समझता है, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि आप रो रहे हो, आपकी पोजीशन नहीं आई। खैर अच्छा वाक्य था कि वेपन की रिस्पेक्ट करेंगे तो ट्रिगर कांट पुल देमसेल्फ, खुद नहीं चलता, इससे डरना नहीं है वेपन से। हेल्दी स्पोर्ट्स से हेल्दी इन्वायरमेंट में इसका काम करें, क्योंकि वेपन के साथ सेफ्टी के साथ अगर आप चलेंगे, आप इसको रिस्पेक्ट देंगे तो ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, क्योंकि कहा जाता है ट्रिगर कांट पुल देमसेल्फ। सब न्यू ईयर पे और शादियों में फायर करते हैं, इससे कितना अच्छा हो कि वो फायरिंग रेंजेस पे जाएं। अभी पाकिस्तान में हम बहुत कम लोग हैं शूटिंग में, हमने मेहनत की उसमें इस लेवल तक पहुंचे, हमसे अच्छा टैलेंट होगा जो इस गेम की तरफ नहीं होगा, तो हमें भी खुशी होगी कि जिस स्पोर्ट्स में हमने परफॉर्म किया उसमें हम वर्ल्ड चैंपियन बना हमारा कंट्री। और जनाब जिसके सीने पर पाकिस्तान के झंडे का निशान हो उसकी जीत तो बिल्कुल तय ही है। इसी के साथ यहां पर वक्त पर एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मच जाएगा, स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग इट मॉर्निंग आज। और अभी वो और क्या चाहता है सियासत? इस मुल्क की जम्हूरियत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होगा। ही शुड थिंक अबाउट हिज पार्टी, थिंक अबाउट पाकिस्तान का डेमोक्रेसी और रिटायर ही होगा। क्वालिटी ऑफ लॉ का बात कर रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ है तो फिर पीटीआई का जहांगीर तरीन या दूसरे लोगों पर होगा, वो तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो जनाब ये आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कितने एक्शन में नज़र आते हैं और तनकीद के तीर भी चलाते हैं। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है, मौला बख्श चांडियो साहब ने, और उससे पहले जो है वो हम आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ को सियासत छोड़ने का मशवरा जो दिया तो दूसरी तरफ मियाँ साहब के पुराने साथी इनके बगलगीर भी हो रहे हैं और नून लीग का बागी फिर से एक दफ़ा राजी हो गया। बिल्कुल जनाब, जावेद हाशमी तमाम गिले शिकवे भुला कर एक बार फिर से नवाज शरीफ के गले लग गए हैं और सियासत की नाव को मिलकर पार लगाने का आदा भी कर लिया है। जावेद हाशमी मुश्किलात में फंसे नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि ख्वाजा साद रफीक ने तो जावेद हाशमी को मुस्लिम लीग नून का नजरिया साथी करार दे दिया है, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। जावेद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के ऐसे नजरियाती साथी हैं जो भले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं है, उनके अफकार और ख्यालात से पीएमएलएन और उसकी क्यादत इत्तफाक करती है। इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि जद्दोजहद के अगले मराहल मिलकर तय किए जाएं। खुदा का भूला हुआ
शाम को घर। मौजूदा मुल्की सूरतेहाल और जावेद हाशमी की नवाज शरीफ से मुलाकात पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांदियो साहब। लेकिन उनसे पहले नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात से मुतालिक पूछेंगे, जो मंजूर वसान ने कहा है कि ये मुलाकात जल्द होने वाली है जिसमें मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल होंगे, इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श चांदियो साहब, वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसी पर बात करना चाहेंगे। मंजूर वसान साहब ने हाल ही में ये पेशगोई की है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात हो सकती है। इससे कबल भी हमने देखा कि मियां साहब ने जब भी मुलाकात की कोशिश की है तो जरदारी साहब ने इनकार कर दिया, लेकिन अब क्या समझते हैं आप, ऐसी क्या तब्दीली आई है जिसकी बिना पर पीपल्स पार्टी के अपने लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं? मंजूर वसान साहब मेरे दोस्त भी हैं, तालिब इल्म के जमाने से मेरे साई हैं और उनकी दानिश और पेशगोई करने की सलाहियत उनकी अपनी है, तो किसी की जो मखवी सलाहियतें हैं उन पे तो तबसरा नहीं किया जा सकता कि उनको अल्लाह ने क्या क्या इनायत की हैं, तो मैं उन पे तबसरा नहीं करता। लेकिन जहाँ तक तल्लुक है ख्वाब का, अगर उन्होंने ख्वाब देखा है तो मैं भी बचपन से सुनता आया हूँ ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी निकलती हैं, बहुत कम ख्वाब हैं जिनकी जैसे ख्वाब हो वैसे ताबीर हो। मियाँ साहब ने अपने दोस्तों के साथ जो बेवफाइयाँ की हैं, जो वादे खिलाफियाँ की हैं और वक्त आने पर जो उनसे मुँह मोड़ जाते हैं और वो वक्त में किसी को भी कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन अगर वक्त निकल जाए, मुश्किल से निकल जाए, बिहालिया देखे जब उनको इमरान खान साहब ने आज दबोचा तो पार्लियामेंट थी उनके साथ, हम थे उनके साथ, लेकिन जैसे ही उस बहरान से निकले कहाँ पार्लियामेंट की ना उनकी नज़र में इज्जत रही, ना हमारे साथ जो दोस्ती थी ना उनका कोई वादा वफा करना उन्होंने पसंद किया, ना उन्होंने हमारे साथ वो तल्लुक रखा कि हम भी उनके लिए कभी कोई करें। जहाँ तक मेरे को मालूम है या मेरा अंदर मालूम तो नहीं है, मैं जो तजिया कर रहा हूँ, जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मेरे ख्याल में उनके लिए भी पीपल्स पार्टी के दरवाज़े बंद हैं उनकी दोस्ती के लिए। जहाँ तक तल्लुक है सियासी बहरान के टालने का, वो पीपल्स पार्टी कमाल की जमायत है, जमहूरत के हवाले से कभी किसी मसलत का शिकार, कभी उसको कोई इंतकाम वाली जो ख्वाहिश हो कभी पैदा नहीं होती, वो बदला नहीं लेती। साहब के बयान की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है जो उनका बयान है उस हवाले से तो यही लगता है कि अगर मुलाकात के लिए उनको अप्रोच किया जाएगा तो पीपल्स पार्टी की जानिब से इनकार नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जरूर है। कहां जरदारी साहब तो मिलने को तैयार नहीं थे, अब कुछ पैगाम भिजवा रहे हैं चाहे वो ख्वाब के जरिए ही हों। मेरे ख्याल में जरदारी साहब ने पैगाम नहीं भेजा है, मेरा अपना अंदाज़ा है, मुझे मालूम नहीं है। जरदारी साहब देखिए, उन्होंने खाना तय करके जरदारी साहब को इनकार किया, ऐसा कोई भी नहीं करता। खाने पे हम ऐसे कौन सा मुआहदा कर लेते जिससे उनको हुकूमत को खतरा लाहक हो जाता, कहा था तो उनकी बाद में भी चली गई हमें बगैर खाने खिलाए के भी, लेकिन उन्होंने ऐसा ये आला उसूलों की से इनराफी है, खाना किया था वो मुँह मोड़ गए, हम ऐसा ना करते। जरदारी साहब होते तो ये बात कभी नहीं करते, चले ऐसी बात न करते जरदारी साहब जो वो चाहते, लेकिन खाने से नहीं रोकते। मियाँ साहब ने खुद अपने लिए ये रास्ता मुंतखब किया, फिर मैं कह रहा हूँ मेरा अपना ख्याल है जरदारी साहब ने कोई ऐसा पैगाम नहीं भेजा, मियाँ साहब नहीं भेज सकते कि मियाँ साहब मुझे टाइम दे मिलने का, नहीं, इस वक्त मियाँ साहब इन ऐसे हालात में नहीं है। चलिए सर, आपको लगता है कि ऐसा की जानिब से नहीं आया, लेकिन खबरें ये हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने खुर्शीद शाह को ये पैगाम जरूर भेजा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत के क्याम से बचने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दी जाए, क्या ये वजह हो सकती है पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठने की? अयाज सादिक साहब एक बहुत बाफजिलत इंसान है, बड़ा प्यार देने वाले, उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, ऐसा ही रवैया एक स्पीकर का होना चाहिए था, गो के उन पर भी है, वो पार्टी की भी कभी कभार साइड ली है उन्होंने, जो लोगों ने असम्बली की मेम्बरान ने पसंद नहीं किया दूसरे लोगों ने, लेकिन बहस सियासतदान के बहस शख्सियत के वो बहुत प्यारे इंसान हैं, बड़ा उनका रवैया अच्छा है। मुझे नहीं लगता ऐसा अभी कोई मुफाहमत वाली पॉलिसी पीपल्स पार्टी के साथ उनकी हो, अच्छे आदमी अगर उनको बीच में डालते
हो सकता है शाह साहब से उनकी बात हो जाए क्योंकि वे असेंबली में हैं, लेकिन जहाँ तक पार्टी क़यादत का मामला है मुझे ऐसे किसी बात का इल्म नहीं कि अगर कोई ऐसी बात चली तो। जहाँ तक तो कौमी हुकूमत की बात है तो कौमी हुकूमत जो आइन के मुताबिक होगी इंतखाबात से पहले वो तो ठीक है, टेक्नोक्रेट की तो बात हमने नहीं की और न हम ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर ख़त्म करके कोई टेक्नोक्रेट नहीं, हम कह रहे हैं इनकी मुद्दत पूरी भले हो जाए, हाँ आइन के अंदर रहते हुए कोई इकदाम हो रहा है तो हमें उनसे ऐतराज़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अलग बख्श चांडियो साहब आपको क्या लगता है हुकूमत के हवाले से कि लोग यही कहते हैं, अपोजिशन की जानिब से कहा जाता है, पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता है कि जी हुकूमत खतरे में है, क्या वाकई हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हुकूमत जा सकती है और क्या टेक्नोक्रेट सेटअप पा सकता है, आपको लगता है ऐसा कुछ इम्कान है? इस हुकूमत ने बदनसीबी के साथ जब भी इनको हैवी मैंडेट मिला है वो इनके लिए ही हैवी बन गया है। अच्छा, पहले भी मिला था, बड़ा लाज था इनको बीबी के ज़माने पर वो हैवी मैंडेट उठा नहीं सके, इस बार भी ऐसा ही हुआ है, कैसे मिलता है इससे भी दुनिया वाकिफ है। हम हालात इन्होंने खुद पैदा किए हैं, बदकिस्मती के साथ इन्होंने हालात पैदा किए, ये झगड़ा करते हैं, ये तसादुम करते हैं इदारों के साथ और ऐसी शख्सियात के साथ जिनका असर सुख रहता है पाक सियासत में, उनसे तसादुम करते हैं, सूरत हाल खुद खराब करते हैं, किसी का जुर्म नहीं है, मियाँ साहब का अपना, मियाँ साहब के दोस्तों का, अला जिंदगी दे मियाँ साहब थोड़ा गुस्सा निकालते हैं, इनके दोस्त जो है गिल्म के तोपची वो आग उगलना शुरू कर देते हैं, ये नहीं जानते कि उनके आग उगलने के नतीजे भी मियाँ साहब को भुगतने पड़ेंगे। सर अच्छा अब सर इलेक्शंस की भी बात कर लेते हैं, जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी जमातों में रहनुमाओं की शमूलियत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, जावेद हाशमी साहब रिसेंटली नवाज शरीफ से मिले हैं और नून लीग को पहले वो छोड़ के गए और अब वापस आना, कैसे देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? मैं ये पाकिस्तान में सियासी जिंदगी का हिस्सा है, इंतखाबात से पहले ये सरगर्मियाँ इतिहाद बनना, लोगों का इधर उधर होना, ये है जी। कुछ लोग हैं झील के परिंदों की तरह होते हैं, वो कभी इस किनारे कभी उस किनारे, जब फिजा बदलती है वो किनारा बदल देते हैं, लेकिन कुछ बड़े बहादुर लोग हैं, बड़े बावसूल हैं, मुश्किल हालात में वो भी तब्दीलियां लाते हैं, जैसे जावेद हाशमी साहब बहुत बहादुर इंसान है, हमें मैं ज़ाती तौर पर भी उनके लिए उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सीनियर इंसान है, उन्होंने जद्दोजहद भी की है, हिम्मत के साथ जेल भी काटा है और बातें भी बहुत सारी कभी कभार बहुत अच्छी भी करते हैं। अब ये उनका सियासी मामला है, मेरा नहीं पता, मुझे नहीं पता कि ये इंतखाबात की वजह से हो रहा है, बाकी वैसे मैं इंतखाबात की वजह से ताकत को देकर ताकत का तवाजुन देकर पार्टियां तब्दील करना मैं अच्छा नहीं समझता। ठीक है, कल असल जो है गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ निगाह जावेद हाशमी साहब बने रहे तो नून लीग किस वजह से छोड़ दी थी उन्होंने और फिर किस वजह से वो पीटीआई में शामिल हुए थे और अब आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ को रेस्क्यू करने के लिए नून लीग की कश्ती में वो सवार हो गए? मुझे नहीं लगता इस किस्म, जब भी आदमी कोई भी, जावेद साहब तो मेरे लिए बड़े बहुत बड़े आदमी मेरी नज़र में, लेकिन जब भी कोई इंसान अपना सियासी मतमली तब्दील करेगा, रास्ता तब्दील करेगा, अतः दोस्तियाँ तब्दील करेगा तो उनके लिए जवाब तो फराम करते हैं, मानते ही नहीं वो लोग, इतने जवाब फराम करेंगे आप खुद कायल हो जाएंगे, हाँ ये सही कह रहे हैं। तो हाशमी साहब भी जवाब जो दे रहे हैं उन पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, वो उनका मामला है, मैं फिर कह रहा हूँ बावसूल इंसान भी तब्दीलियाँ पॉलिटिक्स के अंदर और लीगी अगर रहनुमाओं की जानिब से हम देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि जावेद हाशमी के जो मशवरे हैं उनको हम कदर की निगाह से देखेंगे, आइंदा जो भी पार्टी जदोजहद की जाएगी, जो भी फैसले किए जाएंगे नून लीग की जानिब से वो मुशावरत के साथ होंगे, तो क्या समझते हैं आपके जावेद हाशमी के मशवरे जो हैं वो नून लीग के लिए मुस्बित साबित हो सकते हैं? क्या मशवरा मानेंगे, मियाँ साहब ने कब किसका मशवरा माना है, सारी उम्र जावेद हाशमी साहब उनके साथ ने कब माना, माना होता उनकी कदर की होती तो पहले जाते, को खान साहब के पास ऐसे उस वक्त तो कोई ऐसा खजाना नहीं था सियासी जो शुजात हाशमी साहब जावेद हाशमी साहब तब्दील कर लेते अपनी सियासत, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में, न उनके राय की अहमियत होगी वहाँ न थी न होगी। अच्छा। वो किसी की भी अहमियत नहीं देते, किसकी अहमियत है, इतने MNAs हैं नून लीग के, कितने रो रहे चिल्ला रहे फिर दे वतन ने माने हु, तो कौन उनको पूछता है, चंद लोग हैं कोई मेरे ख्याल में 8-10 लोग हैं जो आपको इधर उधर से नजर आ जाते हैं, JIT में भी वो है, आगे भी आगे वो हैं, मीडिया से सामने भी वो हैं, कोर्टों के आगे गालियाँ भी उधर है, 2-3 आदमी हैं जो सियासतदान भी हैं
उनमें ख्वाजा साद रफीक साहब भी हैं, वो सियासतदानों की तरह बोलते हैं, लेकिन वो मियाँ साहब के लिए इतना बोलते हैं जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा। उसको वो फरामोश नहीं कर सकते, वो किसी भी अंदाज से बोले। परवेज रशीद साहब है, बहुत सारे लोग, मैं अच्छे सारे मुस्लिम लीगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, इंसान भी अच्छे हैं, सियासतदान भी अच्छे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता जावेद हाशमी को कि राय को वहाँ कोई अहमियत नहीं है, और नून लीग इनकी राय के लिए मरी नहीं जा रही, बाकी एक नाम है शख्सियत कदावर चले सर। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, बल्कि इंकशाफ भी किया है कि नून लीग उनकी राय के लिए मरी नहीं जा रही, जबकि नून लीग का स्टांस कुछ अलग है। मरियम नवाज की बात कर लेते हैं, इस सारे सिनेरियो में यही कहा जाता है कि अगर कोई लीडर बन गया है तो वो मरियम नवाज, और जिसकी हालिया मिसाल हम ये देख सकते हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की वो मेंबर बनी है, जिसके ऊपर मुबारकबाद का सिलसिला भी उनको जारी है, और पार्टी की जानिब से यही कहा जाता है कि जी मुश्किल वक्त में जिस तरह वो पार्टी के साथ खड़ी रही और जिस तरह उन्होंने पार्टी का साथ दिया, यानी 120 का इलेक्शन देख लें या दीगर कैंपेन देख लें, चाहे जा रहा ना हो, सारी सूरत-ए-हाल को आप कैसा देख रहे हैं? पार्टी है क्या? अच्छा, कौन सी मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ, मियां साहब का नाम मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग क्या है? 20-22 मुस्लिम लीग है, अगर खुदा न खासा कोई कयादत बदल गई तो फिर उसके नाम के जो भी नाम का एक लफ्ज होगा उसके साथ होगी। मुस्लिम लीग मियाँ साहब है, अब वो मियाँ साहब की साहबजादी है, ये ठीक है। जब बड़े बड़े लोग हट गए, पीछे पीछे लोग हट गए जो मालिक मुख्तियार बनने बैठे थे मियाँ साहब की हुकूमत में, वो भी सब अपना अपना मौकफ तब्दील कर रहे थे, वो उसकी बेटी, उनकी बेटी थी, बेटी की हैसियत में उन्होंने साथ निभाया है, वो सियासतदान की हैसियत में मियाँ साहब का साथ नहीं दिया। लेकिन अगर वो क़यादत संभाल रही है और बासर बन रही है, मुझे उस पर क्या एतराज हो सकता है? ठीक, अच्छा है। सारी मुस्लिम लीग हमें गालियां देती रही है कि मौरूसी मौरूसी मौरूसी, अच्छा है उनकी साहबजादी भी कयादत संभाल लें। सर वैसे भी नून लीग जो है वो हम देखते हैं कि शरीफ फैमिली के गिर्दी घूम रही होती है। वेल कहा जा रही है कि नून लीग में सिर्फ माइनस ही माइनस होगा, लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन और गुज़श्ता रोज जो इजलास हुए उसमें भी हमने देखा कि मरियम नवाज की भी एंट्री होगी है, फिर जावेद हाशमी साहब उनकी भी एंट्री होगी है, पार्टी में तो प्लस ही प्लस होता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हमने कभी भी माइनस के हामी नहीं रहे, हमने कभी किसी की अपने लिए ये ख्वाहिश नहीं रखी कि फला आदमी माइनस हो जाए। हाँ, भुट्टो को माइनस, बीबी को माइनस, आसिफ साहब को माइनस, बिलावल साहब को माइनस, हमारे मुकाबले में माइनस की बड़ा खेल होता है, हम किसी के माइनस के हामी नहीं है बलाशुबा। और मियाँ साहब के माइनस का जब मुशरफ ने कहा बीबी और मियाँ साहब को माइनस करेंगे, तो ये पीपल्स पार्टी तो थी जिन्होंने उस माइनस को माइनस कर दिया। ये आसफ़ ज़रदारी साहब तो थे जिनके तदब्बुर ने, जिनके तजुर्बे ने, जिनकी दानिशमंदी ने मियाँ साहब को भी माइनस होने से बचाया। और जब मियाँ साहब चले गए इंतखाबात से, जिसके बाद वजीर अज़म बनकर आए, उन इंतखाबात में भी आसफ़दारी साहब की तदब्बुर था जो उनको वापस इंतखाबात में लाया। मैं कहने में हकमत जानब हूँ कि मियाँ साहब को माइनस होने से बचाने वाले भी ठीक है। डांडियो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे नून लीग के हवाले से कि किस तरीके से नून लीग में चेंजेस आ रहे हैं, और उनके मुताबिक अगर कोई प्लस होता है नून लीग में तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपनी सियासत के हवाले से बहुत ज्यादा एतमाद है, बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंट है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो सियासत कर रहे हैं वो सिंध के लिए बहुत परफेक्ट है। गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मगर डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद वॉचिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आज। आपको बताते चलें कि कैप्टन ऑफ द रिटायर्ड अपने अदालत में आज पहुंचे थे अपने केस को फॉलो करने के लिए, और समाअत के बाद इस वक्त वो मीडिया के नुमाइंदों से बात करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये देखा कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ जिन्होंने दरख्वास्त की थी कि उन्हें इस्तिस्ना मिल जाए, और उनकी जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसकी तारीख आगे की जाए, उस पर आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ उसके बाद और उनकी बेटी मरियम नवाज़ तो चली गई हैं, लंदन रवाना हो गई हैं, 9:20 पर उनकी फ़्लाइट थी, लेकिन कैप्टन सफदर जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि वो भी शायद जाएंगे, इस पर कोई तस्दीक नहीं हुई है। क्या समझते हैं ऐसा वक्त आपको देखने में क्यों मिलता है? आप समझते हैं कि इक्तदार के दौरान कोई ऐसी गलती होगी या कोई ऐसा आपसे कोताही हुई जिसकी वजह से आपको आज पेश होना पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, एक अल्लाह के वली के दरबार के पास खड़ा मैं बात कर रहा हूँ, और आजमाइशें हमेशा नेक लोगों पर आती हैं।
नवाज शरीफ साहब ने पूछा कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब, आप मेड इन पाकिस्तान हैं इसलिए आपको निकाला। अगर आप शौकत अजीज़ और मोइन कुरैशी होते तो आपको बुला के इक्तदार दिया जाता और इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान ही चलेगा। आपको इसलिए निकाला कि आप तो कभी एटवीं धमाके कर देते हैं, कभी आप मुआशी धमाके कर देते हैं और आप पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को 70 साल से पीछे धकेलने की कोशिश कर रही हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान को दोलख्त किया, वो मुहब्बे वतन सियासतदानों को आगे नहीं आने दे रही। और इंशाल्लाह ताला 22 करोड़ अवाम का ये फैसला आ चुका है कि अब पाकिस्तान में राज वही करेगा जो मेड इन पाकिस्तान हो। कैप्टन साहब, तो जो आपने क्वेश्चन किया, देखें जी, आजमाइशें नेक लोगों पर आती हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में रहे, दानियाल अलैहिस्सलाम जेल में रहे, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल उस घाटी के अंदर सोशल बायकॉट करके कुफार ने उनको शुएब अबी तालिब में रखा। आजमाइशें आती रहती हैं। अगर आप मक्का से मदीना हिजरत 400 किलोमीटर और सूरज बिल्कुल सामने हो, गर्मी इंतहा की हो और पानी मैसर न हो और पैदल जा रहे हो और पीछे दुश्मन चल रहा हो, ताइफ में पत्थर पड़ रहे हो और जब सजदे में जाएं तो मक्का के कुफार ऊपर कूड़ा फेंक रहे हो, मुश्किलें आएंगी। हजरत अली करमल्ला वजू ने फरमाया कि हर हक वाले पे मुश्किल आती है, इसलिए करबला सज गई थी। ठीक है कैप्टन साहब, कहिएगा कि जैसे आपका मुआहदा हुआ उन तहरीक लब्बैक के साथ, ठीक है ना, और मुतमिन भी थी गवर्नमेंट, लेकिन अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि शायद गवर्नमेंट मुतमिन नहीं और शायद कि इसको खत्म भी कर दिया जाएगा, ऐसा तासुर दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ अगर मुआहदा गवर्नमेंट से होना होता तो वो 22 दिन बेचारे धरने पे अपने एहतजाज पे ना बैठे, मुआहदा कहीं और से हुआ। ये तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि एनर्जी सेवर लाहौर में लग जाता है, यूपीएस पिंडी में पड़ा होता है। ये बस इस बात को कैप्टन साहब आप क्या समझते हैं कि ये धरने के पीछे किसका हाथ था? ये एक हाथ नहीं था जी, ये तो बड़े सारे कंधे और हाथ और सीढ़ियां और पता नहीं क्रेने और क्या कुछ पीछे लगे हुए। कैप्टन साहब आप ये बता दें कि अपोजिशन इमरान खान, शेख रशीद, बिलावल भुट्टो के तमाम के जो रुख है इस वक्त मुस्लिम लीग नून टारगेट है, शेख रशीद भी कहते हैं आगे से भी छक्के लग रहे हैं, पीछे से भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जिस दरख्त के साथ ज़्यादा फल लगा होता है पत्थर तो उसको ही पड़ते हैं, तो शेख रशीद साहब ने कहा आगे से भी छक्के लग रहे हैं पीछे से, तो उनको आगे पीछे का हिफाजत खुद करनी पड़ेगी, छक्के तो लगते हैं। कैप्टन साहब, इस्तिस्ना मांगा है आपने 15 दिन के लिए, इस्तिस्ना मांगा है, दरख्वास्त दी गई है आपकी तरफ से, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं या के पाकिस्तान में रह के कोई होमवर्क करना चाहते हैं 15 दिन? जी ये तो मेरी शख्सी आज़ादी पे आपने सवाल कर दिया, मैं बाहर जाऊँ पाकिस्तान में रहूँ, मुझे इस्तिस्ना तो हासिल होने दे, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा ज़रूर। अच्छा, दिल तो मेरा भी करता है ज़रा घूम फिर के आऊँ, मगर जे आई टी ने बड़ा जुल्म किया। मेरे अशरे के आखिरी 10 दिन मदीना मुनव्वरा में होते हैं, मैंने उनको 3 दरख्वास्तें दी उन 6 हीरों को, मैं कहा मैं ईद के बाद पेश हो जाऊँगा, मगर अब मैं अदालत में इस बात को ज़रूर करूँगा कि मैं JIT के 2 सुपरसीडेड ब्रिगेडियर जिनको फ़ौज ने तरक्की नहीं दी कि आप मेजर जनरल बनने के अहल नहीं हैं, उन्होंने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे दिया। मैंने उनको कहा ईद के बाद एक सेशन आपके साथ फिर होगा, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मेरा मौकफ मुकम्मल नहीं हुआ और मुझे पकड़ के उनकी रिपोर्ट पे अदालत में पेश कर दिया गया। और एक मुअज़्ज़ज़ रुकन असेंबली को कहते हैं झूठा है, फ्रॉड है। मैं आज अपने स्पीकर से पूछता हूँ कि मेरा इस्तकाक कहीं नहीं है, वो मजरूह नहीं हुआ? वाजिद ज़िया को आप नहीं बुलाएंगे, मैं बुलाऊंगा इंशाल्लाह ताला, और आपको पता चलेगा मैं पार्लियामेंट के तकद्दस को पामाल नहीं होने दूंगा एक ग्रेड 19 के अफसर के हाथों जो कि खुद करप्ट है, जिसने यहाँ से फीस अपने एक कज़न को लंदन में दी और वो वहाँ 20 घंटे का काम करता है, वो हमारी इंक्वायरियाँ करके ले गया। और ये भाई इस मुल्क के अंदर क्या जादूगर टूनेगर तवीज सियासी बाबों का राज हो गया, इसको खत्म करना पड़ेगा। आपका ताल्लुक है केपीके में, कितनी बड़ी तब्दीली लाई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, वो जलसा करने जा रही है और उसको पहले बिलावल भुट्टो ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब को सियासी, भाई मैं अब्बासी साहब को फारिग कर दूं, इन्होंने कहा कि जी मेरा खैबर पख्तूनख्वा के एक बहुत ही पसमानदा इलाके काला डाका मानसरा से ताल्लुक है और उसमें क्या तब्दीली लेके आए हैं। मैं आपको ये बताऊँ, उसमें एक हया था, हमारी चादर कि तकद्दस था, चार दीवारी का तकद्दस था, हम रवायती लोग हैं, मजहबी लोग हैं, पीर बाबा की धरती है, औलिया अल्लाह की धरती है, और जो ये तब्दीली लेके आए हैं, हमारी मसाजिद आबाद थी,
इन्होंने एक बेहयाई का एजेंडा लेके आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सड़कों की डेवलपमेंट, हॉस्पिटल की डेवलपमेंट, थाने और पटवारखाने के कल्चर को बदलने को डेवलपमेंट नहीं समझता हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इनकी हुकूमत से अपनी रवायात बचाई हुई हैं। जो ये सराइयत कर रही थी बेहयाई, वो हमने अपने सूबे में उसको परवान नहीं चढ़ने दिया। हमारी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जिस तरह हम कायदे आज़म के कहने पर पाकिस्तान में शामिल हुए थे और हमारा एक नज़रिया था कि दो कौमी नज़रिए के बुनियाद पर एक इस्लामी रियासत पाकिस्तान के साथ रहेंगे, वो जो इस्लामी रियासत पाकिस्तान था उसके तकद्दस को हमने इनके हाथों पामाल नहीं होने दिया। इंशाल्लाह ताला 2018 के बाद हमारा चीफ मिनिस्टर आएगा, हम सूबे की तरक्की कर जाएंगे। कैप्टन साहब, बिलावल आज यहाँ पर एक शो करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तलब कर रखा है, नैब ने आपकी जमानत की मंसूखी के लिए रब्ता किया हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। जी हम तो गिरफ्तारी हो सकती है क्या मुमकिन? जी मैं तो कानून बनाने वाले अदारे का रुकन हूँ, मुझे जो अदालत बुलाएगी मैं चला जाऊँगा। एक JIT जिसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं था उसमें भी मैं पेश हुआ, जो कानून के साथ मजाक था। मैं अपने ऑनरेबल जजेस के कहने पर हाई कोर्ट में ज़रूर पेश होऊंगा, आगे जो उनका हुक्म होगा उस पर सरे खम तस्लीम करूँगा। फैसले अदालतों के होते हैं और फैसले मानती रियासत है या रियासत के लोग मानते हैं कि उस फैसले को किस तरह देखना है। हम तो आज भी अदालत में खड़े हैं मगर 22 करोड़ की राय को देखेंगे। आज अगर जस्टिस मुनीर जिंदा होता और लोग उससे पूछते कि मौलवी तमीज़ुद्दीन को इंसाफ क्यों नहीं दिया था, अगर उसको इंसाफ मिलता तो आज मशरिक़ी पाकिस्तान मशरिक़ी पाकिस्तान ही रहता, दो लख्त न होता पाकिस्तान। शुक्रिया। आपने कहा कि 2018 असल में मसला ये है कि 70 साल की तारीख है, आप और मैं तो अभी नौजवानों की लिस्ट में, पूछें उन हमारे आबाओ अजदाद से जिन्होंने नंगे पाँव चल के ये पाकिस्तान बनाया था, जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारब को शहीद करवा के ये पाकिस्तान बनाया था, वो यहाँ पर आए थे। आज भी पूछते हैं गलियों में वो पाकिस्तान कहाँ है, मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान जिसके लिए हम आए थे। तो वो हमारे साथ उम्मीद लगा के बैठे हैं कि बच्चों हमने ये पाकिस्तान बना दिया था, इसको बचाओ भी और आगे भी बढ़ाओ। और बचाने वाले कभी नेप में आ जाते हैं, कभी अटक किले में चले जाते हैं, कभी जिला वतन हो जाते हैं, जुल्कार अली भट्टो तख्तादार पे चढ़ जाते हैं। ये सिलसिले चलते रहेंगे, पाकिस्तान भी आगे बढ़ता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी आजकल नवाज शरीफ साहब को बड़ा हिट कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं? नवाज की रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। सूफियों की सरजमीन है सिंध, यहाँ का हर एक नज़ारा लगे प्यारा। पाकिस्तान के जनूब में वाक़े सूबे का हर शहर अपनी मिसाल आप है। तारीखी मकामात के शौकीन सयाहों के लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं। मोहिंजोदड़ो, मकली कब्रिस्तान, रानी कोट, तारीख का हर शाहकार अपनी मिसाल आप है। सहवन शरीफ, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई और अब्दुल्ला शाह गाजी, सूफियों की मज़ारात की तवील फहरिस्त है। घूमने फिरने की बात हो तो केंजर झील गोरखहिल की खूबसूरती सबको दंग कर देती है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध टूरिज्म मिनिस्टर सैयद सरदार अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सिंध में, खसूसन कराची में, अगर ट्रैवल एंड टूरिज्म के हवाले से बात करें तो ये सेक्टर हमेशा से ही हुकूमतों के लिए बड़ी तवज्जो का मरकज रहा है, इसकी क्या वजह है? बड़ी तवज्जो चाहिए होती है इस डिपार्टमेंट को, लेकिन कराची के अंदर जो है वो हमने देखा कि उस तरह से काम कभी भी नहीं किया गया। यस, मैं आपके इस बात से, सवाल से सहमत हूँ कि जो गवर्नमेंट को इस हवाले से कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, जो सीरियसनेस शो करनी चाहिए थी, वो मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता 70 सालों में उस हवाले से हम नहीं कर पाए। दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक हैं जो उनका बुनियाद टूरिज़्म इंडस्ट्री पे है, वो उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, रेवेन्यू है, वो टूरिज़्म है। मगर पाकिस्तान इतना खूबसूरत हमारा मुल्क है जो जिसके पास सब चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कुदरत के दिए हुए सारी खूबसूरतीज उनके पास हैं, ब्यूटी है उनके पास है, मगर उसके पास हिस्ट्री है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, आपके पास लैंडस्केप्स हैं, आपके पास सब चीज़ें हैं। उसको मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए था कि जो एक एस्पेक्ट, मैं ये बात बड़ी अहम है कि कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के हवाले से जो टूरिज़्म प्रोविंशियल सब्जेक्ट बहुत पहले होना चाहिए था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में टूरिज़्म प्रोविंशियल सब्जेक्ट है मगर वो बदकिस्मती से फेडरल रहा और उसके बाद एक सिलसिला जो है हमारे पास आम रितों का शुरू हुआ, जिसकी हमें जो है वो सबसे नुकसान ये हुआ कि उसमें इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और टेररिज्म प्रमोट हुई, क्लशन कोफ कल्चर आया यहाँ पे,
और यहाँ पे हमारे शहर जो है वो बर्बाद होना शुरू हुए, हमारी साइट्स तक लोग पहुँच नहीं पाए। एक ऐसी इनटॉलरेंस, अदम बर्दाश्त की एक ऐसी लहर उठी कि जिसने सबको लपेट में ले लिया। उसके बाद 2010 में जो 18 अमेंडमेंट आई, उसके बाद ये जो टूरिज्म है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना, और डेफिनेटली 2010 के बाद प्रॉपरली अभी तक टूरिज्म जो है मिनिस्ट्री वो कम्प्लीटली डिवॉल्व नहीं हुई है। अभी फेडरेशन के साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हमारे चल रहे हैं जिस हवाले से वो, क्योंकि जैसे कुछ हमारे सिंध में प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो प्रोविंस के पास होनी चाहिए मगर वो स्टिल फेडरेशन के पास हैं जो नहीं होनी चाहिए, और हम बिलीव करते हैं कि हमारा जो मुल्क है उसमें टूरिज़्म तब मजबूत होगा, तब वो प्रमोट होगा, तब डेवलप होगा जब हम ट्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट पे हम बिलीव करेंगे। उस हवाले से इख्तियारात की बात कर रहा हूँ, और दूसरा लाइन ऑर्डर सिचुएशन है वो डेफिनेटली अब डे बाई डे बेहतर होता जा रहा है, और हम इसलिए हमने ये इवेंट पीटीएम का इनिशिएट किया है लैंडमार्क कम्युनिकेशन और हमने मिलके कि ये एक मिसाल बने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का और प्राइवेट इंटरवेंशन का कि हम इसको और ज्यादा जो है वो कंटिन्यू फॉल कर सके और इन फ्यूचर। चलिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट शिकायत करता नजर आ रहा है कि इख्तियारात नहीं है, तो और ज्यादा इसको प्रोवोक या प्रमोट कैसे किया जाए। पाकिस्तान में हिल स्टेशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कितने अच्छे अच्छे हिल स्टेशन है, कितनी अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन गोरख हिल स्टेशन जो है वो अपनी आबो हवा के बायस सारा साल खुला रहता है, तो सरकारी सतह पर इसकी इस खूबसूरत तफरीगाह को हकीकी मुकाम दिलाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस हवाले से मुझे मुख्तलिफ फोरम्स पे सवाल के जवाब जो है वो देने पड़ते हैं। हुआ ये है कि जो गोरख हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो 92-93 में बनी थी, बनर्जी साहिबा ने इनिशिएट किया था इसको 93 में। उसके बाद ये हुआ कि ये उसको प्रॉपर अटेंशन ना मिली, ना ये किसी हवाले से उसको कंसल्टेट किया गया। बाद में इस गवर्नमेंट ने जब टैकल किया तो सुप्रीम कोर्ट की उस पर आ गया डिसीजन जिस पे लैंड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी गोरख हिल अथॉरिटी को, जो कि गोरख हिल अथॉरिटी कोई मेरे अंडर में नहीं है, तो उसका इंडिपेंडेंट चेयरमैन है और वो अलग एक बॉडी है, मैं उसमें एज ए मेंबर एंड वाइस चेयरमैन मैं उस पर एक्ट करता हूँ। मगर अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जैसे अब प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वॉल्व किए बगैर कोई वहाँ पे शहर हम डेवलप नहीं कर सकते, साइट डेवलप नहीं कर सकते। अभी ये भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ नहीं है, रोड की कंडीशन का कुछ बेहतर हुई है और वहाँ पे कोई 40-45 कमरों का रिजॉर्ट जो है वो एक बन चुका है वहाँ पे गोरख हिल पे। मगर आगे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमें उसके फेवर मिलनी चाहिए कि हम प्राइवेट सेक्टर को वहाँ पे लैंड दे सकें, वहाँ पे कोई सोसाइटीज़ हम वहाँ पे अनाउंस कर सकें, इनिशिएट कर सकें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग वहाँ पे आके अपने रिजॉर्ट्स बनाएँ। जैसे कोमरी कैसे डेवलप हुआ था, कोमरी डेवलप अंग्रेज़ों ने कोई खुद गवर्नमेंट के पैसों से नहीं किया था, वहाँ पर उन्होंने इनिशियली वहाँ पर कुछ एक दो रिजॉर्ट्स बनाए थे और उसके बाद वहाँ पे लॉरेंस कॉलेज आया, वहाँ पे फिर पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी आई और फिर एक शहर आबाद हो गया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो वहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं होगा। और दूसरा गोरख का ये है कि गोरख जो है वो दूसरे हमारे जो हिल स्टेशन हैं उस तरह नहीं है। आप जब एक 10-12 किलोमीटर इतना ख़तरनाक वहाँ पर एक जगह है जिसको खावल लग कहते हैं, वो 60 डिग्री पे उस पर आपको ट्रैवल करना पड़ता है, यानी डेफिनेटली इट्स वेरी स्कैरी। उस हवाले से भी काम चल रहा है, हमने कुछ इनिशिएट भी किया था कि हम कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कोई वहाँ पे रोड हम लाएं कोई। सर, सिंध के अगर सियासी मुकामात के हवाले से मैं बात करूँ तो जैसे मोहनजोदाड़ो हो या फिर मकली हो, उमरकोट हो, गोरख हो, ये सारे जो मुकामात हैं गैर मुल्की सियाहों के लिए बड़ी ही तवज्जो का मरकज रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि उस तरह से इनको आपको क्या लगता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट इन मुकामात पर तवज्जो नहीं दे पाती, सियासत के फरोग के लिए, सियाहत के फरोग के लिए आपको लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पर तवज्जो देनी चाहिए? हाँ, कोई मैं देख रही होती हूँ कि सर भी बल्कि जवाब देंगे हमारी बात का कि कितने हमारे पास जो है वो अच्छे अच्छे स्टेशंस हैं, कितने हमारे पास जगहें हैं जो लोगों के लिए अट्रैक्शन है, जो लोगों को लगता है कि नहीं जी पाकिस्तान में ये बहुत जबरदस्त चीज़ है, और बाहर ममालिक से लोग बैठ के जो है पिक्चर्स देख रहे होते हैं कि हम छुट्टियाँ प्लान करेंगे और यहाँ पर आएंगे, लेकिन जो है उसके बारे में कोई अमली इकदाम नहीं किए जाते हैं। वैसे भी बहुत मैंने जैसे कि पहले कहा कि कल्चर में बड़ा रिच है, और इस हवाले से जो है मजीद भी बात करेंगे। सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। हमारे इर्द गिर्द बिखरी हैं कहानियां और जीते जागते हैं किरदार, सच की कड़वाहट, हकीकत का इदराक, बर्दाश्त का सबक
और हक की लड़ाई, नामुमकिन से मुमकिन का सफर। न्यूज आरविंद नाचिया, न्यूज आरविंद नाचिया जुमा और हफ्ता रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ तावुन किया है टेलीनॉर के साथ, 36 रुपए बशमूल टैक्स में करें खुल कर बातें। इश्तराक में शामिल हैं सेफ एंड हेल्दी चिकन KNN's। उजाला पर विजिट करें, आपकी खिदमत में पेश। सच के लिए झूठ से लड़ना पड़ता और हक गोई के लिए तख्ताए दार पे चढ़ना पड़ता। सच के लिए मैं तो लड़ूं और आप। फैसला आप। फैसला आपका, पीर से जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ आज न्यूज पर। इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ तावुन किया है मेडिकल प्रोटेक्ट डेंटल क्रीम, मसूड़ों से खून और सेंसिटिविटी से मुकम्मल निजात। बिग फ्रेंड्स सुपर, सुपर है जिंदगी। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और जनाब सिंध के हवाले से बातचीत हो रही थी, सिंध के कल्चर पर हमने रोशनी डालने की कोशिश भी की थी और इससे कुछ दिन कबल जो है वो हमने देखा कि सिंध का जो रवायती दिन है यानी कल्चरल डे जो है वो भी मनाया गया, तो बड़ा ही कलरफुल सा वो दिन था। और इस हवाले से हम अभी बात भी कर रहे थे सर से और उनसे रब्ता हमारा मुनकता हो गया है, लेकिन एनीवे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को प्रॉपर आइडिया हो चुका होगा कि सिंध का कल्चर जो है वो कितना खूबसूरत, कितना रिच कल्चर है। बिल्कुल सही कह रही है ना, और इतना रिच कल्चर है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि मजीद पैकेजेस जो है वो अपने लोगों के सामने लेकर आए, नाज़रीन के सामने लेकर आए। अच्छा जी, कल एक बड़ी खबर थी, लेजेंड हैं शशि कपूर, उनके जो है वो इंतकाल की खबर आई, उनकी डेथ के हवाले से खबर आई, तो सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि कपूर ख़ानदान से लोगों ने बहुत ज़्यादा ताज़ियत की थी। कपूर ख़ानदान के वो चश्मो चराग थे।